What's up guys, welcome back। तो आज हम लोग फिर से आ गए एक नए व्लॉग के साथ। अभी हम लोग हैं टेक बर्नर चैनल पे, जहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग कार की वीडियो डाली। और ये वाली जो कार है ना गाइज, ये कल की मूवी में यूज हुई है। इस वीडियो का क्रेडिट मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अगर आपको ये ओरिजिनल वीडियो देखना है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको ओरिजिनल वीडियो का लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है 7 करोड़ रुपए की फ्यूचरिस्टिक गाड़ी के अंदर। बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं। मूवी में दिखाया है कि भाई एक एक्चुअल रोबोट इसके अंदर है जो इसको चलाता है। इसके टायर के बीच में पूरा खोखला है, एक टायर दूसरे टायर से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। ये सामने से एंट्री होती है, सीट हिल रही है, स्टीयरिंग हट जाता है, स्टेयर्स आ रही है फ्रंट में से। ये खाली 3 व्हीलर गाड़ी और इसका पीछे वाला टायर मूव होता है। और पूरी एक रॉकेट शेप में गाड़ी बनाई गई है। वैसे हमने काफी सारी अलग अलग गाड़ियां आपको दिखा रखी है, साइबर ट्रक हमने आपको दिखा रखा है, तेज से तेज गाड़ियां, इलेक्ट्रिक फरारी हमने आपको दिखा रखी है। ये वाला बिल्कुल ही अलग है मेरे दोस्त। सबसे पहली चीज भाई, इसके टायर, ये 1 टन का सिंगल टायर है। 1 टन की पूरी स्विफ्ट आ जाती है। इसकी एक ब्रेक बहुत ही ज्यादा बढ़िया, चारों तरफ जाती है। यहाँ पे भी ब्रेक लग रखी है, यहाँ पे भी ब्रेक है भाई, अलग अलग तरफ से रुक रहा है। और यूजुअली आपने गाड़ी में नोटिस करो, एक एक्सल रहता है दो टायरों के बीच में जो दोनों टायरों को कनेक्ट करता है। इसमें दोनों टायर जुड़े ही नहीं है भाई, दोनों टायर बिल्कुल ही अलग है भाई। यहाँ पे बीच में पूरा खोखला है, टायर के बीच में से मैं आ सकता हूँ भाई यहाँ से। ये गाड़ी ऐसी बनाई गई है, इसको कुछ भी तोड़ना भाई, ये टायर पंचर हो ही नहीं सकता। आप जो ऐसा क्या, ये तो रबड़ का लग रहा है। ये पूरा टायर स्टील वायर से बन रखा है। इसके अंदर पत्थर कील कुछ घुस भी जाए तो फर्क ही नहीं पड़ना भाई। ये वाले टायर्स एक्चुअली सीएट ने स्पेशल इस गाड़ी के लिए बना रखे हैं। और ये गाड़ी जिन्हों को पता नहीं है, स्पेशल कल की मूवी के लिए बन रखी है। जो मूवी है काफी ज्यादा कूल है, अमिताभ बच्चन है, काफी सारा एक्शन है, काफी सारा रोमांस है, अलग अलग चीजें। बट दोस्तों, हमको टेक्नोलॉजी से थोड़ा ज्यादा ही प्रेम है, तो हम गाड़ी की सारी टेक्नोलॉजी निकालनी है। वो भाई गाड़ी दिखाने से पहले बड़े भाई का कभी तो टाइम आएगा भाई। ये एक फ्यूचरिस्टिक ट्रक है जो मूवी में यूज करा गया, जिसमें दीपिका पादुकोण जी को बचाया जाता है। वहाँ पे भाई बड़े बड़े पाइप्स लगा रखे हैं, पूरा एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक सी वाइब लगा रखी है। एक बहुत ही बड़ा भारी भरकम सा ट्रक है। और काफी अलग अलग चीजें हैं, जैसे ये टायर के कवर काफी अलग से लग रहे हैं, उसके बाद ऊपर जो कचरा भी है वो भी काफी एस्थेटिक सा लग रहा है भाई, पता नहीं क्यों। और यहाँ से जैसे कि आप अंदर से देख सकते हो, पूरा अंदर खोखला है, इसके अंदर ही बचाया जाता है। ये वही ओके जिससे लड़कियों को फंसाते थे, मतलब पिक्चर मजाक कर रहा है। ये पूरी गाड़ी मेटल और फाइबर ग्लास से बन रखी है। ऊपर के जो पार्ट्स हैं ये फाइबर ग्लास के बन रखे हैं, या फिर ये जो अंदर का पूरा फ्रेम है ये पूरा मेटल का बन रखा है। फ्रंट की तरफ यहाँ पे एक लाइट, यहाँ पे एक लाइट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये गाड़ी काफी ज्यादा ऊंची है। ये एक ना 3 व्हीलर गाड़ी है और इसका सस्पेंशन भी बहुत ही ज्यादा अलग है। और यहाँ पे भाई टायर और इसके बीच में सस्पेंशन लगा रखे हैं। ये गाड़ी स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि यूजुअली जितनी भी चीजें मूवीज में देखते हो ना, वो ऐसा वो चलती नहीं है, वो बस प्रॉप्स होती है, वो दिखाने के लिए होती है चीजें। ये गाड़ी एक्चुअल चल सकती है और हम भाई बिना चलाए छोड़ेंगे नहीं, मतलब थोड़ी सी चला लेंगे, डर लग रहा है। ये कार 7 करोड़ रुपए की है और ये महिंद्रा और जैम ऑटोमोबाइल्स ने मिल के बना रखी है स्पेशल इस पिक्चर के लिए। पिक्चर में जाने वाला था देखने, बट मेरे को टिकट नहीं मिली। ऊपर की तरफ बोलो भाई ये क्या लगा रखा है, ये एक्चुअली इसकी कूलिंग के लिए, ऊपर की तरफ भी वेंटिलेशन के लिए बना रखा है। देखो मैं आपको सीक्रेट चीज दिखा रहा हूं, वो भाई इसके अंदर बैटरी है। ये एक्चुअली इसका चार्जिंग स्टेशन है, तो यहाँ से ये गाड़ी पूरी चार्ज होती है। ये ऊपर की साइड इसका पूरा एग्जॉस्ट है और यहाँ से भाई पिक्चर में दिखाया नाइट्रो वाइट्रो निकलता है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये एक्चुअली मोटर। ये इतनी बड़ी गाड़ी ना पेट्रोल से चलती है ना डीजल से चलती है, ये बिजली से चलती है, मतलब बेसिकली बैटरी से चलाते हैं। भाई पीछे इसका टायर ना भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा है यार, मतलब मैं इसके साथ में खड़ा हूँ, मैं भाई बच्चा सा लग रहा हूँ। ये बैक साइड के अंदर इसकी बैटरीज है, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बैटरी है। इस पूरी गाड़ी का वेट 6000 किलो है और उस पूरी गाड़ी को ये सिंगल बैटरी चला। और हीट के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं, अगर कुछ भी ज्यादा हीट होता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। यहाँ पे पूरा इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट है और यहाँ से इसकी चार्जिंग होती है। ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़िया, देखो मैं नाप के बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से भाई 16 स्टेप्स मेरे। गाड़ी से निकल के पीछे जाने में ऐसा लगेगा दूसरे कमरे में जा रहे हैं। ये वाला जो टायर है ये साइडवेज टिल्ट भी हो सकता है। ये जो एक्चुअल सस्पेंशन है, ये ट्रेन जितने मोटे सस्पेंशन लगा रखे हैं और यहाँ पे हाइड्रोलिक्स अटैच कर रखे हैं, तो ये गाड़ी एक्चुअली ऊपर नीचे हो सकती है। ये जो एरिया है यहाँ से स्टेयरिंग से टायर मूव होता है, मतलब बेसिकली आप स्टेयरिंग घुमाते हो वो वाला पार्ट घूमता है और उससे पूरा टायर इधर का उधर होता है। इतना बड़ा टायर भाई स्टेयरिंग से मूव भी हो सकता है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा भाई। अब आ चुका है दोस्तों असली टाइम, और अंदर बैठे मेरे को मतलब थोड़ा डर भी लग रहा, थोड़ा अब टाइम आ गया भाई के अंदर बैठने का। 1, 2, 3, 6,
एक्चुअली सीढ़ी यहाँ से अनफोल्ड होके बाहर आई है एंड अब भाई अंदर अलग सी चेयर लगा रखी है। अब आ गया अंदर जाने का टाइम। एक चीज अगर आपने नोटिस करी, हमने स्टेयरिंग नीचे कर दिया। ये बहुत ही अजीबोगरीब स्टेयरिंग है। जैसे अगर आप बैठ रहे उसके बाद आपने लीवर दबाया, ये स्टेयरिंग आपको ऊपर सेट हो जाता है और जो आपको नीचे लेके जाना है स्टेयरिंग नीचे चला गया। ये स्टेयरिंग बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, एक स्पोर्ट्स कार वाली वाइब दे रहा है। ये गाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी है बट मेरे को एक पूरा वाइल्ड फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। यहाँ पे दो बड़े बड़े टायर्स हैं, यहाँ पे एक स्टीयरिंग है, यहाँ पे सेंसर्स हैं, मीटर्स हैं, अलग अलग बटन्स हैं और ये सब कुछ काम करता है। जितनी स्क्रीन्स हैं ये काम करती हैं, ये जितने पाइप्स हैं ये काम करते हैं, ये जितने हैंडल्स हैं, जितने बटन्स हैं ये सब काम करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा कूल सा एक्सपीरियंस देता है। यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे दूसरी स्क्रीन है, यहाँ पे तीसरी स्क्रीन है। मुझे सामने आपको दिख रहा हूँ टूटा टूटा अभी रिपेयर हो। ये जो आपको दिख रहा है ना ये बुज्जी, ये गाड़ी चलाती है भाई। बढ़िया अभी टूटा हुआ है तो हमको चलानी पड़ी। भाई गाड़ी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट सी लग रही है भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं एक फाइटर जेट चलाने वाला हूँ। ये ऊपर जो कॉकपिट सी भी आती है ना, ऐसा पता नहीं ऐसी फीलिंग से आ रही है भाई। हाँ भाई कॉकपिट सी है। ये स्टीयरिंग दिख रहा है आपको, इसके अंदर भाई ये चारों पाइप जा रहे हैं, ये चारों पाइप हाइड्रोलिक पाइप है। और ये आपको जो गियर जैसा दिखेगा ये एक्चुअली गियर नहीं है, ये स्टीयरिंग को माउंट करने का। बट एक चीज काफी कूल लगी, स्टीयरिंग को आप कहीं पे भी माउंट कर सकते हो। ऐसे में भी आप अटका के छोड़ सकते हो, ये लॉक हो गया। यहाँ पे जो लीवर दिख रहा है ना ये एक्चुअली गियर्स को चेंज करने के लिए। न्यूट्रल नीचे से जाता है, ऊपर जाके ऐसे फ्रंट, इस तरफ जाओ रिवर्स होता है। ये जो बड़े बड़े पाइप है एसी के लिए है और अलग अलग चीजों की कूलिंग के लिए। और ये सीट आपको लगेगा भाई ये तो बस फिक्स कर रखे बट भाई पूरी मूव होती है पूरी गाड़ी जैसे फ्रंट हो रही है भाई पीछे हो रही है। आपका मन भाई थोड़ा रिलैक्स करके गाड़ी को चला, तू रिलैक्स कर। ये बटन्स भी है ना भाई, ये बटन्स और हुक्स भी भाई काफी अलग से लग रहे हैं। ये ड्राइव वाला है, ये पूरा कार्बन फाइबर का है, इसको आप ऊपर करते हो और ऐसे। भाई इस गाड़ी में बस एक चीज मेरे को मिसिंग थी लगी, इसमें ना रियर व्यू मिरर नहीं है। ये गाड़ी ऐसी बनाई है कि फ्यूचर में 800 साल बाद गाड़ियां कैसी होंगी, उसमें बस आप अकेले बैठ जाओगे क्योंकि लोनली होंगे ना लोग, बंदी साथ में नहीं बैठेगी 800 साल बाद। बंदी साथ में बैठा क्या करना भाई, पीछे बैठो बंदी। और अगर बच्चों को उठाना है तो बच्चों को आप गोद में भी नहीं उठा सकते, बच्चों को फ्रंट में उठाना होगा। वही मुँह झाँकते रहो, डॉगी को भी उठा सकते हो फ्रंट, डॉगी फ्रंट में रह सकता है बट दोस्त ऐसा क्यों नहीं। ये पेडल भी भाई काफ़ी अलग से लग रहे हैं भाई, दबाने में थोड़ा डर सा लग रहा है। पीछे जहाँ पे लोगों को कैद करा जाता है वहाँ पे उनको जाके देखना पड़ेगा भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ। ये पीछे भी एक सीट है जहाँ पे अपने दोस्त को आप बिठाओगे बट ये है कैदी का कारखाना, इसके अंदर लोगों को बंद करा जाता है। पीछे अभी भी है क्या कोई? हेलो कोई है क्या? अरे खोलो भाई, डर लग रहा है क्या? तो फ्रेम भी मेटल वेटल बना रखा हो, अच्छा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है पोस्ट अपोकैलिप्टिक मिशन पे आ रहे हैं। दिल्ली में जब पोल्यूशन बढ़ जाएगा तब ऐसी गाड़ी चलाएंगे। मैं लेग रूम चेक कर लेते हैं पीछे। पीछे भाई दिखने में आपको लगेगा पीछे जगह नहीं है बट पीछे अच्छा खासा लेग रूम है। पीछे वाली सीट भी भाई ये देखो हाइड्रोलिक, पीछे के लिए भी एसी है भाई, एसी वेंट है। पीछे वाले बंदे को भी तगड़ा व्यू आएगा, ये देखो यहाँ पे पूरा मेटल का है, यहाँ पे बस पैर आपके लड़खड़ाएंगे बट व्यू बहुत तगड़ा भाई, प्यारा व्यू आएगा। लेग रूम भी ठीक ठाक है भाई। ओ भाई नीचे बटन है, ये देखो बटन से दबाने का। भाई अब आ चुका है टाइम इस कार को चलाने का। यहाँ पे भाई ने अपना पूरे इंजन ऑन कर दिया। अब स्टीयरिंग घुमा दिया है, यहाँ पे ड्राइव वाला बटन रेड हो चुका है, यहाँ पे सारे बटन ग्रीन है, यहाँ पे हमारा गियर बॉक्स है, इसको हम डालेंगे फॉरवर्ड पे और फिर हम दबाएंगे अपना एक्सेलरेटर। ओ भाई ये बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम है, मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक टैंक चला रहा हूँ। ओ भाई अलग सा ही लग रहा भाई। ओ हो भाई इसकी ब्रेक भी ना पूरी हाइड्रोलिक ब्रेक है तो इसको रिवर्स में डालना, इसके टायर्स भी भाई।
बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया।